अब सवाल ये उठता है कि मुनकरीन हदीस एक बड़ा इतराज करते हैं कि इसका क्या सबूत है कि कुरान से बाहर भी कोई वही थी। अगर ये अकल के दुश्मन और कुरान के दुश्मन और इस्लाम के दुश्मन अगर ये चीज गौर से देखते तो कुरान में सिर्फ एक किस्म की वही की बात नहीं की गई, तीन किस्म की वही के इशारे, तीन तरह अल्लाह कम्युनिकेट करता है ये कुरान में बयान किया गया। इसमें तो ना मुसलमानों का कोई इख्तलाफ है ना मुनकरीन हदीस इस पर कोई इख्तलाफ करते हैं कि कुरान नाजिल करने के लिए जिब्रील आए थे। हाँ, कुछ कट्टर किस्म के मुलहिद किस्म के मुनकरीन हदीस हैं, वो तो जिब्रील को मानते ही कुछ और थे ना अलैहिस्सलाम को, वो तो मलाइका का तसव्वुर को ही करप्ट करके रखते थे। तो सवाल ये उठता था कि अगर कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं जिसमें कोई शक नहीं, फिर वो दो जो बाकी तरीकाकार है वो इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि एक से ज्यादा तरीका है अल्लाह के कम्युनिकेट करने का अपने अंबिया के साथ। सबसे पहले आप देखें कि अल्लाह ने दो तरीके खुलकर बयान किए, ये चैप्टर 40 है सूरह अल मोमिन, इसकी आयत है 70। अल्लज़ीन, वो लोग हैं ये, कज़्ज़बू बिल किताबी, जिन्होंने किताब का इनकार कर दिया हुआ है। अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिल किताब व बिमा अरसलना बिही रुसुलना फसौफ़ यालमून विच वी सेंट आवर मैसेंजर्स शैल सून नो, अन करीब इनको पता चल जाएगा इनकी हैसियत क्या थी। कुरान की इस आयत से पता चलता है कि कुरान किताब के अलावा भी वही का तरीका अल्लाह ताला ने अपने रसूलों के साथ इख्तियार किया था। अब तीन तरीकेकार थे वो मैं आपके सामने आयत रख रहा हूँ। सूरह शूरा चैप्टर 42 वर्स 51 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु, अल्लाह किसी बशर से कलाम नहीं करता हसर कैटेगोरिकल मगर तीन तरीकों पर, इल्ला वहयन या डायरेक्ट रिवील करते हैं, औ मिन वराई हिजाबिन या वेल पर्दे के पीछे से, यानी कुछ तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल यूं ले लें जैसे मूसा अलैहि सलाम को शजर में से आवाज आई, तो मिन वराई हिजाबिन, औ युरसिला रसूलन फयूही बिइज्निही मा यशा इन्नहु अलीयुन हकीम, या फिर अल्लाह किसी फरिश्ते को किसी रसूल पैगंबर को भेजते हैं जैसे जिब्रील को या किसी फरिश्ते को, फयूही बिइज्निही मा यशा, तो वो अल्लाह की उस वही को अल्लाह के रसूल के पास पहुंचाता है। ये तीन तरीके हैं। कुरान बिल इत्तेफाक मुसलमानों और मुनकरीन हदीसों में इत्तेफाक है कि कुरान को तो तीसरी कैटेगरी पर उतारा है, युरसिला रसूलन जिब्रील लेकर आए थे, बाकी की दो किधर गए, वहीन वराई हिजाबिन। अब ये कह सकते हैं उसका सबूत दे दें, तो सबूत बेटा आने वाला है, जरा दिल थाम के आगे आएगा, मगर यहां से इस बात का सबूत तो बहरहाल मिल गया कि कुरान के अलावा भी, यानी किताब के अलावा भी, यानी फरिश्ते के अलावा भी वही कलामुल्लाह का तरीका मौजूद है कि जिस तरह अल्लाह कम्युनिकेट करते हैं। यही वजह है कि इब्ने हजम ने इस पर रद्द करते हुए प्यारी किताब अल अहकाम फी उसूल अल अहकाम, शानदार किताब है, और इब्ने हजम जो हैं ये पांचवीं सदी के इमाम है, 456 हिजरी के मुतवफ़ा, शेख अहमद शाकर साहब ने इसको परतालीक भी की, इसकी कुछ चीजों की तहकीक भी की, इसकी पहली जिल्द है और पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, सफा है 97। इब्ने हजम ने इसी आयत को दलील बनाकर एक पैराग्राफ आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इब्ने हजम कहते हैं फसहलना बिज़ालिका अन्नल वहया युनक़समु मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़िस्मैन, वो फरमाते हैं कि इन दलाइल से हम पर वादे होता है के वही को जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है रसूल की तरफ, वो दो किस्मों पर है। अहदुहुमा वहीयुन मतलुवुन, एक वही मतलुव होती है जिसको किताबी शक्ल में अल्लाह के रसूल लिखवाते हैं, वो तो कुरान है, वहुअल कुरान तीसरी लाइन में, मगर सानी होती है जिसको मरवी किया जाता है, मरवी से मुराद यह नरेट किया जाता है, तहद्दस या तनक्कल नकल किया जाता है, गैर मुअल्लिफिन वला मुअज्जिदन निज़ाम वला मतलूबन लाकिन्नहु मक़रू, लेकिन पढ़ा वो भी जाता है, वो कौन सी है, वहुवल खबरुल वारिदु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो वही है जो अल्लाह के रसूल से वारिद होती है खबर की शक्ल के अंदर। अब आखिरी जो दो लाइने मैंने येलो हाईलाइट की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इब्ने हजम का जुमला, वो कहते हैं क्यों सुन्नत, इन आयतों की रोशनी में सुन्नत को भी वही इत्तबा का दर्जा अल्लाह ने दिया है जो कुरान की इत्तबा का दिया है। वो फरमाते हैं वजदनाहु तआला कद औजबता हादल किस्म सानी कमा औजबता किस्म अव्वल अल्लज़ी हुवल कुरान वला फराका। इब्न अज़म फरमाते हैं कि हमने अल्लाह को वाजिब करते हुए देखा है उस इतात को जो सानी है, कौन सी, दूसरी वाली सुन्नत, अल्लाह के रसूल की इतात, वैसे ही वाजिब किया है जैसे कुरान को, यानी अल्लाह की अतात को वाजिब किया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, आखिरी लाइन में उन्होंने उस आयत से इस्तदलाल भी कर दिया। यही वजह है कि इब्ने हजम ने अपनी इसी किताब के अंदर आगे जाकर
इस चीज की तरफ इशारा किया है कि सुन्नत की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने लिया है। उसकी वजह वो ये कहते हैं कि चूंकि ये भी अल्लाह की तरफ से थी तो अल्लाह ने सुन्नत की हिफाजत का जिम्मा भी लिया। आम तौर पर मुनकरीन हदीस जो हैं वो कुरान की हिफाजत के जिम्मे पर हमारे साथ मुत्तफिक होते हैं। हम कहते हैं कुरान हिफाजत है, वो कहते हैं कुरान की हिफाजत है, और दोनों मिलकर सूरह हजर की एक आयत पढ़ते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इसमें कुरान शामिल है, इसमें मुसलमान भी और मुनकरीन हदीस भी इत्तफाक करते हैं अमूमी तौर पर। मगर चूंकि यहां वर्ड जिक्र इस्तेमाल हुआ है तो इब्ने हजम ने इस्तदलाल किया है कि चूंकि कुरान की तफसीर और तशरी, जैसे मैं पीछे आयत पेश कर सका हूं, इन्ना अलैना बयाना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कि कुरान की तबयीन तफसीर और तशरी और तौजीह भी वजाहत भी महफूज होनी चाहिए, क्योंकि कुरान की हिफाजत भी उसके साथ मुतमस्सिक है। क्योंकि कुरान की हिफाजत सिर्फ लफ्जों में नहीं होनी बल्कि उसके मानी में, मफाहिम में, उसकी तौजीह में, उसकी तशरी में, उसकी तफसीर में, उसकी तावील में, उसकी ताबीर में, हर जगह पर कुरान की हिफाजत भी ऐनी ही वैसी होनी है जैसे उसके मतन की होनी है। उसकी हिफाजत डिपेंड करती है उसके मानी और मफाहिम जो अल्लाह के रसूल ने बयान किए। जब तक उन मानी और मफाहिम की हिफाजत मुमकिन नहीं, कुरान के मफाहिम और मानी की हिफाजत मुमकिन ऑटोमेटिकली नहीं है। यही वजह है कि इब्ने हजम ने इसी किताब के अंदर आगे जाकर सफा 122 में ये बयान किया कि जिस जगह पर यह कहा गया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, वो कहते हैं कि जो ये कहता है इससे सिर्फ कुरान मुराद है, कज़बन कज़बन, ये झूठ बोलता है। वो आगे कहते हैं अगर कोई कहने वाला कहे इन्ना माना तआला बिज़ालिकल कुरान वहदहु फहुवल्लज़ी ज़मना तआला हफ़ज़हु सलासाइर अल-वहयी अल्लज़ी लैसा कुरआनन कुलना लहु, जो ये कहे कि इसमें जिक्र की हिफाजत से मुराद सिर्फ और सिर्फ कुरान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है कुरान के अलावा, कुलना लहु, हम उसको कहेंगे ये कैसा दावा है, झूठा है और दलील से खाली है। व तख़सीसुन लिज़्ज़िक्र बिला दलीलिन, और ये जिक्र को खास करना है बगैर दलील के। वमा काना हाकज़ा फहुवा बातिलुन लिकौलिही तआला, और ये बात झूठ पर मबनी है। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो अपनी दलील लाओ। फसहा अन्न मन ला बुरहान लहू अला दावाहू फलैसा बिसादिकिन फीहा, इब्ने हज़म फरमाते हैं जिसके जिसके दावे में कोई दलील ना हो वो झूठा है, उसके सदक की कोई अलामत नहीं। आगे वो क्या कहते हैं, वह जिक्र, तो कुरान ने जो जिक्र बयान किया है, इस्मुन वाकिउन अला कुल्ली मा अन्ज़लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कुरआनिन औ मिन सुन्नतिन। इब्ने हजम कहते हैं जिक्र में हर वो चीज, जिक्र का नाम हर उस चीज पर लागू होगा जो अन्ज़लल्लाह है, बिमा अन्ज़लल्लाह, तो अल्लाह ने नाजिल किया कुरान को भी और उस सुन्नत को भी जो अल्लाह के रसूल ने अमल करके बोलकर हुक्म देकर बताया आपको। मुनकिरीन हदीस बड़े जोरों शोर से कहते हैं कि कुरान के अलावा किसी किस्म की वही हुज्जत नहीं है और ना उसका कोई वजूद है, यानी जो वही है वो कलामुल्ला है, और जो कलामुल्ला है वो अंजल मिन अल्लाह है, और जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है, उसके अलावा कोई तरीका, कोई कनेक्शन अल्लाह के रसूल से बात करने का गोया था ही नहीं अल्लाह का, अल्लाह के रसूल से, जिसको पिछले प्रोग्राम में हम ब्रेक कर चुके हैं। चले इनसे कुछ सवाल कर लेते हैं, और ये जो पोर्शन है ये निहायत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मुनकरीन हदीस के साथ अक्सर बात करते हैं। मैं कुरान से 5 ऐसे वाकयात पेश करूंगा जिन वाकयात का किसी किस्म का कोई भी जिक्र कुरान के अंदर नहीं है, मगर फिर भी हुज्जत के तौर पर उन वाकयात के ऊपर अमल हुआ है, मगर कुरान में उनका हुक्म ही नहीं है। अगर कुरान के अलावा कोई चीज हुज्जत ना होती, सिर्फ इस्लाम में कुरान ही हुज्जत होता, तो क्या वजह है कि कुरान में इनका कोई हुक्म नहीं मिलता मगर इन वाकयात के ऊपर या इन कामों के ऊपर अमल किया गया है। पहली आयत, पहला वाक्या, बैकग्राउंड ले लें। आपको याद है सूरह तहरीम में सरी तौर पर एक वाक्या लिखा है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को अपने ऊपर हराम किया था और उस चीज को हराम करने के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको मना फरमाया था, मगर उसमें एक ऐसी बात थी जिस बात को अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर कर दिया, जो चीजें उनकी बीवियां छुपा रही थी उनको जाहिर कर दिया और अल्लाह के रसूल को खबर हो गई। जब उनकी बीवियों ने पूछा कि आपको इस चीज की खबर किसने दी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे अल्लाह ने खबर दी। अब सवाल यह है कि पूरे कुरान के अंदर आपको कोई एक आयत नहीं मिलती जिसमें सरी तौर पर यह कहा गया हो या अदना दर्जे का भी इशारा हो कि अल्लाह ने आप पर बीवियों की उस गुफ्तगू को जाहिर कर दिया था, यह किसी जगह पर भी नहीं मिलता सवाए हदीस के। सूरह तहरीम है, चैप्टर 66 वर्स 3 है।
इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ा असर नबी इला बाज़ी अज़वाजी ही हदीसा, अय हदीसा सारू के मुनकरीन हदीस। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाज बीवियों को राज दिया था और कहा था कि इसको अपने तक रखें, इसको अपने तक रखें, घर की बात है इसको घर में रखें। और जब उन्होंने इस बात को राज ना रखा, वह अज़हरहुल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने उस राज को, उस पर्दे की बात को अल्लाह के रसूल पर जाहिर कर दिया कि उनकी बीवियों ने अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात को जो वो कहते थे राज में रखे, कॉन्फिडेंस में रखें, वो नहीं रखा और आगे शेयर कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उन पर जाहिर कर दिया उस चीज को। अर्रफ बादहु व आरल अन बादिन, तो बाज चीजों को जान लिया और बाज चीजों को एराज किया। फलम्मा नब्बाहा बिही, अब जब अल्लाह के रसूल ने अपनी उन बीवियों को या अपनी उस बीवी को खबर दी कि ये तो राज जो तुम्हें कहा था कि आगे नहीं पहुंचाना, वो राज आगे पहुंचा है, वो राज कैसे निकला है, वो बात कैसे निकली है, कालत मन अम्बा कहाजा, उस बीवी ने कहा अल्लाह के रसूल आपको किसने खबर दे दी, काला नब्बा अनियल अलीम उल खबीर, अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे खबर दी है अल अलीम जो हमेशा हमेश सब जानता है, अल खबीर जो हर चीज से बाखबर है। सवाल ये उठता है कुरान में तो किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि अल्लाह के रसूल को खबर कैसे दी गई थी और उन पर जाहिर कैसे किया गया था। इसका मतलब यह है कि कुरान के अलावा कुछ ऐसे इशारे थे, कुछ ऐसी बात थी, कुछ ऐसी वही थी जो कुरान के अलावा अल्लाह के रसूल पर अल्लाह ताला जाहिर करते थे। बाद मुनकर हदीस एतराज करते हैं जी यहां देखे नब्बा अनियल अलीम उल खबीर कहा गया है, तो यहां से मुराद कुछ और भी हो सकता है, सिफाती नाम। भाई ऊपर देखो दूसरी लाइन में वह अज़हरहुल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने जाहिर कर दिया, अल्लाह का नाम है जाती नाम, तो अल्लाह ने कैसे जाहिर किया, कुरान में तो इशारा भी नहीं है तो जाहिर कैसे किया, यह सवाल है। दूसरी आयत, आपको पता है मदीना के अंदर यहूदियों के तीन बड़े कबीले थे, बनू नुज़ैर, बनू कैनका और बनू कुरैज़ा। बनू नुज़ैर की ठुकाई सबसे पहले हुई थी और उस ठुकाई के नतीजे में जब वो अपने किले के अंदर बंद हुए थे तो उनके किले के बाहर कुछ बड़े बड़े दरख्त थे, कुछ कहते हैं खजूरों के मुख्तलिफ दरख्त थे, वो दो दरख्त थे वो तीर अंदाजों को पना दिए हुए थे और जंग लड़ना मुश्किल हो रही थी। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहकर उन दरख्तों को कटवा दिया ताकि उनका जो किला है वो साफ तौर पर नजर आए और उस पर हमला हो सके। तो जंगी स्ट्रेटजी के तौर पर, वॉर स्ट्रेटजी के तौर पर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा दरख्तों को कटवाया, वरना अमूमी तौर पर इस्लाम के जो जंगी उसूल हैं उनमें जानवरों, अमलाक का यानी प्रॉपर्टी का, इनोसेंट्स का, सिविलियंस का, एनिमल्स का, ट्रीज का, इवन वर्शिप प्लेसेस जो हैं उनका, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एमरजेंसी साइट्स, उन एरियाज के तकद्दस का ख्याल रखा गया है कि वहां हमला नहीं किया जाएगा, चाहे वहां दुश्मनी क्यों ना छुप जाए, आपने कोशिश करनी है, कम से कम कोशिश करनी है कि उस चीज पर हमला किया जाए, इल्ला ये कि आपके लिए नामुमकिन हो जाए चीजों को कंट्रोल करना इस तरह की हालत में, मगर आम उसूल यह है कि आपने उन पर हमला नहीं करना। इसी तरह यह था कि दरख्त नहीं काटने, यह आम हुक्म था इस्लाम का, मगर बनू नुज़ैर के साथ जो मारका हुआ है उसमें दरख्त काट दिए गए। अब उसका नक्शा कुरान ने खींचा है, यह दूसरी आयत है जिसमें पता चलता है कि कुरान के अलावा हुक्म पर अमल किया गया, यानी हुज्जत समझा गया, मगर कुरान में उसका हुक्म नहीं है, जिससे पता चलता है कि कुरान के अलावा भी हदीस या सुन्नत या अहकामात अल्लाह के रसूल पाक सल्लम की जिंदगी, अमली जिंदगी से हुज्जत हैं। चैप्टर 59 की वर्स 5 है, अल्लाह फरमाता है मा कतअतुम मिन लीनतिन औ तरकतुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाहि वलयुहज़ियल फासिकीन। अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ भी तुमने दरख्त काटे थे, पाम ट्रीज जो काटे थे, उनको काटना और या बाज को अपनी जगह पर कायम रखना ये तुमने नहीं किया था, फबिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से, वलयुहज़ियल फासिकीन और इस भी लिए ताकि जो फासिक हैं, मक्कार हैं, उनको रुसवाई दी जा सके और उनको सजा दी जा सके। अब यहां पर कहा जा रहा है फबिइज़्निल्लाह, यानी जो तुमने दरख्त काटे हैं उन दरख्तों को काटने की इजाजत अल्लाह ने दी थी। मेरा सवाल है मुनकरीन हदीस से कि पूरे कुरान के अंदर हमें दरख्त ना काटने का हुक्म तो मिलता है, दरख्त काटने का हुक्म नहीं मिलता, हाँ तो ये हुक्म कहां है पूरे कुरान के अंदर, और उस पर अल्लाह के रसूल ने अमल भी किया है,
ना सिर्फ अल्लाह के रसूल ने किया बल्कि मोमिनीन ने किया है। सवाल यह है कि अगर कुरान के अलावा कोई चीज हुज्जत नहीं है तो कुरान के बाहर यह हुक्म आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुरान के अलावा भी कम्युनिकेशन के तरीके थे अल्लाह की जात के अहकाम पहुंचाने के, जिससे वो अमल कर सकें और उस पर मोमिनीन मुसलमान सहाबा रसूलुल्लाह अमल करते थे। तीसरी चीज, आपको पता है बदर में अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, फरिश्तों के साथ नुसरत की और मुसलमान बिल आखिर जंग जीते। उस बारे में कुरान क्या कहता है जरा आए और फिर ढूंढते हैं क्या कुरान में ऐसी कोई चीज है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। यह आपके सामने सूरह अनफाल है, चैप्टर 8 वर्स 7 है। अल्लाह फरमाते हैं, वइज याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैन अन्नहा लकुम व तवद्दून अन्न गैर जाति शौका तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही व यक्ता दाबिरल काफिरीन लियुहिक्कल हक्क व युबतिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने जब तुमसे वादा किया कि तुमको दो ग्रोहों में से एक ग्रोह देगा, तुम चाहते थे कि आसान वाला काम हो जाए, मगर अल्लाह कुछ और चाहता था। अल्लाह का इरादा यह था कि हक गलबे के साथ वाजिब हो, अपनी किल्लत के बावजूद, अपने असबाब की कमी के बावजूद, अपनी तवानाइयों के फुकदान के बावजूद, अपने जंगी हथियारों की जो है ना वो कम मायगी के बावजूद, जब मैदान में मोमिन उतरे और मद्दे मुकाबल बड़ी फौज हो तो रहती दुनिया तक ये तारीख का निशान बन जाए कि फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अभी, कि जो बदर के लोग थे वो मैदान में निकले, उन्होंने देखा कि ना हमारी तादाद उनके मुकाबले में है, ना हमारे हथियार उनके मद्दे मुकाबल खड़े होने के हैं, ना हमारी इकोनॉमी उनके मुकाबले है, हमारा GDP भी गिर रहा है, मगर फिर भी जब हक की आवाज के लिए बुलंद होते हैं अल्लाह गलबा कैसे देता है। अल्लाह ने दिखाना भी तो था ना, लियुहिक्कल हक्का व युबतिल अल बातिल, हक को गालिब कर दे और बातिल को मलिया मेट कर दे, वलौ करिहल मुजरिमून, चाहे RSS और चाहे ये जो जनाब वेस्टर्न लॉबी है ये बगलें बजाती फिरे कि जनाब ना 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 ना, ना दबा दो इनको, दबा दो मुसलमान का मुंह बंद कर दो, इनका गला घोंट दो, इनको सफ़ा हस्ती से मिटा दो, चाहे कुछ भी कहते रहें, मगर शर्त यह है कि बदर की तरह खड़ा होना है, उसके अलावा चारा कोई नहीं। बहरहाल बात यह है कि अल्लाह की जात ने जो वादा किया था, ओ भाई वो वादा कुरान में कहां है? मुनकरीन हदीस से सवाल है। वइज़ याइदुकुमुल्लाहु, अल्लाह ने वादा किया, ये माजी का सीगा है। हाँ, कोई इधर आके ये ना कहे बता दो दिया वादा किया, तो ये तो वादा ही किया, यही तो बता रहा है कुरान। ना 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 ना, ये माजी है, बदर के बाद ये नाजल हुई है आयतें, और वइज़ माजी के लिए आता है, चाहे फेल मुजारे के शुरू में क्यों ना आए। वइज़ याइदुकुमुल्लाहु, अल्लाह ने जब तुमसे वादा किया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन गॉड प्रॉमिस्ड यू, पास्ट टेंस है। सवाल ये उठता है किधर है। चौथी चीज, बैकग्राउंड ले लें, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़े हुए अरसा गुजर गया, आप परेशान थे, मक्का की याद सताती थी, वहां अल्लाह का घर था, पुरानी यादें थीं, वहां बचपन गुजरा था, वहीं पर तबलीग का नबूवत का आगाज हुआ, वहीं पर आपके साथ वो जानशीन जुड़े, वो सरफरोशाने इस्लाम जुड़े, वो हक की खातर न टलने वाले जुड़े, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, अपने मालो मता लुटा दिए, अपने अहलो अयाल को तर्क किया। ये वो मक्का था जिस मक्का से सफर कर कर फिर मदीना पहुंचे, और उसकी याद में दिल डूबा था, वहां पलट जाने को, और उस घर को अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासिल्लज़ी बिबक्का, वो घर जो सबसे पहले अल्लाह की जात ने अपनी इबादत के लिए दुनिया पर मखसूस किया कि इंसानियत पलट कर तवज्जो करने के लिए मेरी तरफ वहां लौटे, उस घर को आपकी जियारत से महरूम कर दिया गया और आपको उसकी जियारत से महरूम कर दिया गया। ये वो तड़प थी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आता है। उस ख्वाब में आप देखते हैं कि आप अहराम की हालत में हैं हज के लिए या उमरे के लिए, और फिर अल्लाह के रसूल पाक सल्लम ने देखा कि वो सर मुड़ा रहे हैं ख्वाब के अंदर, तो आपको ये इशारा अल्लाह की तरफ से मिला कि शायद आपको उमरा या हज या मक्का या बैतुल्ला इधर जाना चाहिए, ये ख्वाब आया। अब इस ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए अल्लाह के रसूल चल पड़े। अब जहां वहां पहुंचे तो अल्लाह के रसूल को वो इशारा तो अल्लाह की जात की तरफ से आया था, मगर उसकी मुकम्मल हिकमत का अल्लाह के रसूल को ग्रेजुअली पता चला। पहले आप उसके वाज़े इशारों की तरफ जा रहे थे कि शायद जो देखा है वही होगा, मगर अल्लाह ने ग्रेजुअली आप पर चीजें खोली
और आपको पता चला, और उसमें फिर इंसानी तारीख ने देखा कि कैसे मक्का फतह हुआ और सुलह हुदैबिया हुई। तो हुदैबिया के मकाम के ऊपर अल्लाह के रसूल को रोक लिया गया और सुलह की गई, और सुलह के नतीजे में 10 साल के लिए जंग बंदी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और अगले साल के लिए बगैर हथियारों के मखसूस लोगों को इजाजत दे दी कि वो उमरा करें। मगर सवाल यह है, एक ख्वाब अल्लाह के रसूल ने देखा जो कुरान में नहीं था, 1400 नफूसे कुदसी, वो सहाबा जिनको लेकर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा करने के लिए निकल गए, इस तसव्वुर में कि जो ख्वाब देखा उसको अल्लाह सच करेगा, और वहीं पर फिर बैत रिज़वान का भी आपको इशारा मिलता है। यानी ऐसे हालात में एक ख्वाब की बुनियाद के ऊपर, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के सरीह हुक्म या कुरान की आयात के अलावा भी अल्लाह की तरफ से वहीय खफी को इशारा समझते थे अल्लाह के हुक्म में से या अल्लाह की इजाजत में से। बयान दलील है, अब देख लें कुरान में इसकी आयत, सूरह चैप्टर 48 वर्स 27, लकद सदकल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक, अल्लाह ताला ने अपने रसूल का जो रुया है, ख्वाब है, उसको सच कर दिखाया। और वो ख्वाब क्या था, लतदखुलुनल मस्जिद अल हराम इंशा अल्लाहु आमिनीना मुहल्लिकीना रुसकुम व मुकस्सिरीना ला तखाफूना फअलिम मा लम तअलमु फजअल मिन दून ذلك फतहन करीबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ख्वाब अल्लाह के रसूल ने ये देखा था जिसको अल्लाह ने सच कर दिखाया कि तुम मस्जिद हराम में जरूर जरूर दाखिल होगे अमन के साथ, फतह मक्का, और अपने सरों को मुड़ने वाले उमरा करते हुए, और हिम्मत कर, खौफ नहीं होगा तुम पर, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा, पूरी सेफ्टी के साथ दाखिल हो जाओगे। सवाल यह है कि अगर कुरान के अलावा कोई चीज हुज्जत है ही नहीं, तो अल्लाह के रसूल का ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से वही था जिसको अल्लाह ने सच कर दिखाया, वो हुज्जत कैसे हुआ? और ये अल्लाह के रसूल ने सारा अमल अपने ख्वाब की बुनियाद के ऊपर क्यों किया? क्योंकि मक्का फतह करने का हुक्म पूरे कुरान के अंदर नहीं है, पूरे कुरान के अंदर मक्का फतह करने और वहां जाने का हुक्म ही नहीं है सिवाय ख्वाब के इशारे के। और यहां भी याद रखें माजी का सीगा इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद क्या है कि मक्का फतह हो चुका था, और उस वक्त फतह होने के बाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इशारा दिया गया कि अब आपका ख्वाब पूरा हो चुका है जो अल्लाह ने आपको दिखाया था। पांचवीं आयत वो क्या है, किबला। आपको याद होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इब्तदाई दौर में मुसलमान जो इबादत किया करते थे उनके लिए किबला बैतुल मक़द्दस था, यरूशलम की साइड, ठीक है, फलस्तीन की साइड, ये वो दिशा थी जिस तरह मुसलमान इब्तदाई जमाने में मुंह करके इबादत किया करते थे, अपना किबला तसव्वुर किया करते थे। वहां से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आते हैं तो किबले रस्ते में ही किबले की तब्दीली की आयात नाजिल हो जाती हैं, और किबला तब्दील होकर बैतुल मक़द्दस से मक्का हो जाता है। इसीलिए रस्ते में एक मस्जिद भी आपको मिलती है, जो लोग मदीना से वाकिफियत रखते हैं या वहां गए हैं, उसको मस्जिद किबलातैन कहा जाता है। यानी ये वो मस्जिद है जहां सहाबा नमाज की हालत में थे, और जब उन पर पीछे से एक सहाबी ने आकर ये आयत पढ़कर सुनाई कि किबले का हुक्म आ चुका है, किबला तब्दील हो चुका है, उन लोगों ने नमाज पढ़ते हुए बैतुल मक़द्दस से मुंह फेर कर मक्का की तरफ मुंह किया, इसीलिए उस मस्जिद को मस्जिद किबला तैन कहते हैं। इससे एक चीज पता चलती है कि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हुक्म को उसी तरीके से हुज्जत मानते थे जिस तरीके से कुरान की आयत को। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि पूरे कुरान के अंदर बैतुल मक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म ही नहीं है पूरे कुरान के अंदर। तो सहाबा बैतुल मक़द्दस की तरफ जो मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे वो कौन से कुरान की आयत के हुक्म के मुताबिक पढ़ रहे थे, सवाल तो ये है। इसका मतलब ये है कि कुरान से बाहर भी सहाबा हुज्जत तस्लीम करते थे अल्लाह के रसूल पर आने वाले उस हुक्म को। ये आपके सामने आयत है, तवज्जो कीजिए, सूरह बकरा की आयत 143 है, पूरा देखें। बेवकूफ लोग ये कहते थे लोगों में से कि जनाब ये क्या है, कभी इधर मुंह कर लेते हैं कभी उधर मुंह कर लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल इनसे कहें लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरिब, ईस्ट और वेस्ट अल्लाह के लिए है। यहदी मन यशाउ इला सिराति मुस्तकीम, जिसको चाहता है सीधे रस्ते की दिशा दे देता है। वकदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, तुम में बैलेंस्ड उम्मत बनाया गया था, मॉडरेटर
बनाया गया था इसलिए ताकि तुम लोगों पर गवाही दे सको, वह यकून और रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाही देने वाला हो। यानी एक पैटर्न था, क्योंकि आपके पास रसूल तो आना नहीं था, तो रसूल हम पर हुज्जत और हम लोगों पर हुज्जत, ठीक है, मगर ये दावत के साथ। आगे आयत पढ़ने वाली है, तवज्जो कीजिएगा जरा, मुनकरीन हदीस से गुजारिश है, तवज्जो। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुंता अलैहा इल्ला लिलअलमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैही। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहते हैं हमने नहीं बनाया था पहले वाले किबले को, मगर इस चीज के लिए, लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल, ताकि सहाबाए किराम में से, मोमिनीन में से पहचान हो जाए कि कौन अल्लाह के रसूल की तबाह करता है और कौन पीठ फेर के भाग जाता है। सवाल ये उठता है कि यत्तबिउर रसूल यानी पहले किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का जो हुक्म था, इबादत करने का जो हुक्म था, वो अल्लाह के रसूल की तबाह थी? कुरान में तो हुक्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल को कुरान के अलावा भी अहकामात दिए गए जिनकी इत्तबा करना वाजिब था और जिनसे पीठ फेरने वाला गुनाहगार होगा। वइन कानत लकबीरतन इल्ला अललजीन हदल्लाहु। ये बड़ा बहुत बड़ा फैसला था कि लोग मस्जिद अक्सा से मुंह फेर कर बैतुल्लाह की तरफ कर लें, मगर अल्लाह ने हदायत दी लोगों को। आगे पता क्या कहा, वमा कानल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम। सवाल ये उठता है कि पहले किबले का इंतखाब अल्लाह ने किया, कुरान की आयत बता रही है, अल्लाह के रसूल की इत्तबा थी, कुरान की आयत बता रही है, मगर वो हुक्म कहां है? कुरान में नहीं है। यह है वो सवाल। तो हम मुनकर हदीस से ये पांच आयतों के जरिए सवाल पूछना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में कि वो बताएं कि कुरान से इन जो खफी इशारों का आपको पता मिलता है, जो ये चीज बताती है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने अमल के एतबार से हुज्जत माने जाते थे, अपने कौल के एतबार से कुरान से बाहर भी, ये कैसे मुमकिन है अगर सिर्फ कुरान हुज्जत है।